झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। वे अभी ईडी की रिमांड में हैं। हालांकि गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी सत्ता उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को सौंप दी। सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगली तलवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कथित तौर पर दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी 5 बार उन्हें समन भेज चुकी है, लेकिन हर बार केजरीवाल उस समन को नजरअंदाज कर देते हैं। आज भी केजरीवाल को जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वे 5वें समन पर भी हाजिर नहीं हुए। शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल को 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी है। केजरीवाल अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए। दिल्ली शराब नीति केस को लेकर ईडी का आरोप है कि इसमें करीब 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते आए हैं और ईडी के समन को वे राजनीतिक बदले की भावना बताते हैं। लेकिन इसी केस में उनके 2 अहम साथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आपका कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। इससे पहले केजरीवाल ने भी यह आरोप लगाया था कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। वहीं कानून के जानकारों के अनुसार केजरीवाल के गिरफ्तार होने की भी काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि वे बार बार बुलाए जाने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में ईडी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर सकती है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार बार अवहेलना पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। समझा जा रहा है कि ईडी के समन को जिस तरह केजरीवाल हल्के में ले रहे हैं और वे जांच एजेंसी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, ऐसे में जांच अधिकारी उनकी आवाज पर जाकर पूछताछ भी कर सकते हैं। ठोस सबूत होने या फिर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। केजरीवाल की तरह ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा था और वे जब बार बार बुलाए जाने पर भी हाजिर नहीं हुए तो आखिरकार ईडी ने उन्हें रांची से गिरफ्तार कर लिया। यही वजह है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने अब आम आदमी पार्टी में भी बेचैनी बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।